हेलो एवरीवन, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ बबीता नीरज ब्लॉग में। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे ब्लॉग स्टार्ट किया था, वो वाला मैं एंड कर दी थी, और ये भाई बहन के घर से आए ना, वहीं से मैं स्टार्ट की थी। तो अभी देखिए, हम फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं, और आज बारात जाने वाली है जैसे मामा जी के लड़के की। तो अभी हम घर पे पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से पास ही में है। तो हम लोग ना यहाँ से निकल गए इसे बाय वगैरह करके कि हम अब चलते हैं। तो वो बोल रही थी कि जल्दी आ जाना, मन कि चलो आएंगे फिर कभी नेक्स्ट टाइम। कि तो बोल रही थी कि हमें ना आपके कपड़े धुकाने चाहिए थे, मतलब ऐसे ऐसे बातें कर रही थी। तो ये देखिए, ये मामा जी इनके दोनों घर हैं, ये वाला और एक इधर वाला, ये वाला। तो ये वाला इधर वाला, तो ये ऊंचा सा ये अभी बना है, वो पहले से ही है। तो आ गए थे हम वहाँ से, तो ऐसे ही मतलब बहुत अच्छा लगा भाभी के यहाँ जाके। और तब तक आए थे ना, सारी तैयारी वैयारी होने लगी थी, क्योंकि होता है ना गाँव में थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं सभी। तो मैं भी मतलब तैयार होके आ गई थी, और वीडियो भी मैं थोड़ा थोड़ा ही बना पाई थी, क्योंकि होता है ना कि एक वीडियो नहीं बन पाता है। अगर किसी को पकड़ा तो बना देते हैं, और उनको पकड़ा तो भैया घुमा घुमा के वीडियो को पता नहीं सत्यानाश कर देते हैं, मतलब बिल्कुल वीडियो बेकार हो जाती है, फिर उसे डालने का भी मन नहीं करता। तो इसीलिए मैं सोचती जितना बन जाए खुद से बन जाए वो ज़्यादा अच्छा है, क्या तो कोई हिला देगा क्या कोई झुला देगा। देखिए ये मामी जी हैं साथ में, और जो ये इधर कोट पैंट में दिख रहे हैं, ये जो पीछे दीदी हैं, ये इनके हस्बैंड हैं, मतलब मामा जी की लड़की के हस्बैंड हैं ये, मतलब मामा जी इनके दामाद। और बस बारात निकलने लगी है, और सभी लोग चल दिए हैं, और हम भी साथ में थे, क्योंकि मैं तो दिखूंगी नहीं, क्योंकि मैं खुद ही फ़ोन पकड़ी थी। ये भाभी आ गई बड़ी वाली, और मेरा तो मुझे लग रहा है बारात में कोई देखूंगी भी ना भी देखूंगी, क्योंकि मैंने ही खुद से बनाया। और देखिए यहाँ पर घोड़ी आ गई है अभी, जो लड़का घोड़ी पे बैठ के, और जो मतलब रीति रिवाज होती है वो होगा सबका सब। और देखिए ना, ये वाले भैया इनसे मिलवाती हूँ, ये जो कोट पहन के घूम रहे हैं ना, ये मामा जिनके लड़के हैं बड़े वाले, ये पुलिस में है। और बस इसी तरीके से बारात निकल गई थी, यहाँ से ऐसे करके घूम के जाएगी। गांव में तो ऐसे होता है ना, पूरे गांव का मतलब घुमाते हैं। और ये भाभी जी मतलब इनकी वाइफ हैं, ये जो ब्लैक सी साड़ी में खड़ी हैं, तो ये हस्बैंड वाइफ। मैं बोली थी चलो भैया भाभी के फ़ोटो खींचे, हम लोगों ने भी साथ में खिंचाए थे। वो होता है ना कि हम लोग ना थोड़े से घेर पर तैयार हो रहे थे, क्योंकि घेर पर ये था कि वहाँ पर एकांत था तो ज़्यादा सही रहेगा। और पता ही, शादी वाले घर में तो बहुत सारे लोग होते, तो फिर बहुत सारे काफ़ी लोग हो जाते थे। हम सोचे चलो हम घेर पे तैयार होकर आते थे। हम घेर से आए तब तक तो सारी तैयारी होने लगी थी, और बस देखिए अब बारात निकलने लगी है। अतः शाम का टाइम था ये, शाम को ही बारात निकली थी। और यहाँ से मतलब कुआ पुआ जो पूजते हैं वो पूजेगा, हमारे यहाँ ना कुआ पूजा जाता है जब लड़के की शादी होती है। यहाँ पर मतलब अच्छा सा गाना चल रहा था, और ये डांस करने लगी। अगर कर मैं बनाती हूँ वीडियो, वैसे नहीं करेंगे इनको, ऐसे बोलो ना डांस करे तब नहीं करती हैं ये तो। और वैसे अब देखो कितना मटक रही हैं ये उधर वाली बड़े वाले मामा जी इनकी लड़की हैं, ये मतलब मेरे मामा जी उनकी लड़की हैं। तो ये देखिए थोड़ी दूर, ज्यादा नेक दे दिया भैया। उससे गए थे, और देखिए ना हम आ गए थे घर। और घर आने के बाद पहले तो हम उनके ही घर गए थे जिनकी मतलब शादी थी, और उसके बाद जो पानी वानी पीने के बाद तो फिर हम दूसरे घर आके बैठ गए थे, क्योंकि होता है ना जब लेडीज जाती है तो उनके लिए अलग व्यवस्था की जाती है। ये देखिए सभी लोग यहाँ पर ना लड्डू दिए जा रहे हैं, जैसे कि होता है ना मीठा दो जब भी कोई आता है, तो देखिए लड्डू सबके लिए। और पानी, पहले पानी दिया फिर लड्डू दिया फिर चाय वगैरह, ये सब तो चलता ही चलता रहता है ऐसा दिन में। पर
पर मैं कहीं नहीं दिखूंगी बारात में, मुझे तो पता नहीं आप लोग ये सोचे कि मैं कहीं नहीं दिख रही हूँ, और कैसे तैयार हुई मुझे खुद नहीं पता, मैंने एक फोटो तक भी नहीं लिया, ऐसा हो गया था। एक तो ना शादी ब्याह में जाओ ना, बच्चे बहुत परेशान कर लेते हैं, किसी का मुंह बन जाएगा, किसी को कुछ चीज़ चाहिए, किसी को कुछ चीज़ चाहिए, किसी को पैदल नहीं चलना, किसी को कुछ नहीं कहना। और जब कहीं शादी ब्याह होना तो ये छोटे छोटे बच्चे गोदी में बहुत भागेंगे, वैसे तो पैदल खेल लेंगे लेकिन जब गोदी से बिल्कुल नहीं उतर सकते। तो ये देखिए भाभी इधर बैठी हैं, मैं भी भाभी के बराबर में बैठी थी। और देखिए अब ना हम यहाँ आके बैठे थे तो दीदी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रही थी, हमारी मामा जिनकी लड़की, तो हम खूब मतलब हंस रहे थे। ये देखिए सभी लोग अच्छे से बैठे हैं और अच्छी अच्छी बातें चल रही थी, और कुछ बच्चे तो सो भी गए थे। देखिए ना गांव में सब पर्दा करके रख, पर्दा भी, और वो भी सर पे से तो सबके ही मिलेगा, कोई एक आदि होगा जिसका नहीं होगा। तो देखिए अभी यहाँ पे बैठे हैं, उसके बाद हम खाना वाना खा के फिर आ गए थे, तो क्योंकि हम रुके नहीं थे, क्योंकि बच्चे परेशान करते हैं ना इसलिए। तो फिर मैं तो आ गई थी, मैं भाभी सब लोग आ गए थे, हम रात को ही गए थे और रात को ही वापस आ गए थे। तो अभी थोड़ी बहुत देर में खाना खाने के लिए जाएंगे और खाना खा के फिर घर निकल लेंगे। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, उम्मीद करूँगी पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना। और देखिए जैसे सुबह हो गया था, सुबह नहीं हुआ था, ये जो मेरे जो मामा जिनकी लड़की है ना छोटी वाली, उसका बर्थडे था उसी दिन, तो उसके लिए केक मंगाया हुआ था और केक कट किया था यहाँ पे, क्योंकि किसी को याद ही नहीं था, बाद में याद आया था कि हाँ बर्थडे है, तो फिर केक मंगाया, फिर केक कटा और सबको केक वगैरह खिलाया, और अच्छा लगता है वैसे भी ना, क्योंकि कभी कभी तो एक साथ मिलते हैं, वरना तो आजकल तो टाइम ही नहीं रहता किसी के पास भी, एक दो दिन के लिए जाते हैं वापस आ जाते हैं, नहीं तो एक दिन के लिए ही ज़्यादातर कहीं जाया जाता है। देखिए केक कट गया, केक कटेगा, सब में बटेगा, हम खूब मजे ले रहे थे उससे, क्योंकि कहते तो बोलते ना कद्दू कटेगा सब में बटेगा, मैंने कहा केक कट रहा और सब में बटेगा। तो ये देखिए अब ये सुबह हो गया है और हम लोग आ गए थे घेर पे, और घेर पे क्यों आए थे मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरे भाभी इनकी और चाचा उनकी लड़की थी छोटी, देखिए भैंस भैंस मामा जी रखते हैं यहाँ पर, देखिए। और पता है जैसे कि कपड़े जो थे ना मिक्स हो गए थे सबके, भाभी इनके मेरे, तो फिर हम सोचे कि चलो भाई अपने अपने कपड़े अब रख लेते हैं, और उसके बाद तो क्योंकि हमें जाना है, ये देखिए ये घेर है, और इसके बाद यहाँ पर हम ना गाड़ी में जो डिग्गी में कपड़े रखे थे ना, तो मैं बोली चलो बना दो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कपड़े रखने के लिए आ गए थे और हस्बैंड भी यहीं खड़े थे, मगर बना दो कोई दिक्कत नहीं, अब जो काम है तो है ही, है कि नहीं। तो देखिए मैं सारे कपड़े अच्छे से रख दिए, भाभीन के भाभीन को दे दिए और अपने अपने रख लिए, चाची के लड़की के चाची, मतलब वह उसी में रखे, लेकिन हाँ ये कि अलग अलग कर दिए, पहले भाभीन के मेरे सबके मिक्स हो रहे थे। और देखिए ये सुबह का टाइम है, बहू आ गई थी, और अब देखिए उतारते हैं नई बहू को, ये दीदी तो मतलब ना सुबह ही आई थी साथ में ही इसी में, और देखिए ये माई है, अभी देखिए यहाँ से उतार देंगे घर ले जाएंगे, और घर ले जाने के बाद जो रस्म वगैरह होती फिर होती चलती रहती है। और हम तो यहाँ से ही आ गए थे फिर, और यहाँ से बात तो मैं कोई वीडियो ही नहीं बनाई थी, और आज मैं जाऊँगी अपने घर, मतलब अपने घर जाऊँगी। तो देखिए अभी ले जा रहे हैं, और फ्रेंड इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और उम्मीद करूँगी पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड और फैमिली के साथ, ऐसे ही ब्लॉग देखते रहिए मेरे चैनल पे बबीता नीरज ब्लॉग पे। तो फिर मिलूँगी एक नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना और वीडियो को लाइक करके जाना, ताकि हम निकल लिए अपने घर की तरफ।